नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत दबा के वायरल हुई और जो गाय में जो बीमारी आई, लंपी बीमारी, उसके बारे में वो वीडियो है। तो इसके क्या रोकथाम है, कैसे इसको बचाया जा सकता है, क्योंकि लगभग गुजरात से चालू हुई बीमारी भारत में, हालांकि पाकिस्तान से गुजरात में और गुजरात से फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। तो बहुत सारी गायें जो हैं मर चुकी हैं, जिसके कारण किसान परेशान है और अभी ये शामली जिले में भी आ चुकी है, क्योंकि हम भी शामली जिले में रहते हैं। तो इसकी क्या रोकथाम है, कैसे इससे बचाया जा सकता है गाय को, क्योंकि गाय में ज़्यादा है और भैंस में कम है, तो क्या क्या रोकथाम है और किस तरीके से हम अपने जो पशु हैं उनको बचा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं जो आपको इसके सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे बीमारी क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार अनंत भाई, पहले तो धन्यवाद और राम राम भाइयों को भाई, आपने जो है एक जागरूक वीडियो बनाई। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा LMP, जो इसको बोलते हैं LSDV, यानी कि लंपी डिजीज वायरस। थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग तो ये है, आप हमारे किसान भाई ज़्यादा जानते नहीं इसमें, इसकी जो खानदान बोलते हैं इसको, तो पोक्सीवायरिडी हमारे यहाँ का नहीं है, विदेश का है, अफगानिस्तान से शुरू हुआ था या पैदा हुआ था, फिर दूसरे देशों में आया। हमारे देश में पहले भी आई थी बीमारी, बहुत पुरानी है। प्रभाव ये होते हैं इसके कि या तो आपका पशु बच्चा गिरा सकता है, आपका पशु जो है पक सकता है जिसमें पपोले पड़ जाते हैं शरीर पे, या पस आने लगती है। दूसरा निमोनिया, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव। हम बताएंगे इसके लक्षण के बारे में, कैसे पहचाने कि ये LSD आपके पशु को प्रभावित कर रही है। तो लंपी आ गई, इसके लिए आप देखें कि आपका पशु जो है, लक्षण के बारे में बात करेंगे तो लक्षण क्या होंगे, फिर उसके बाद लक्षण तो आगे करें क्या, कैसे पहचाने कि लक्षण तो आगे हम क्या करें और क्या करने के बाद में हमारे किसान भाइयों को कैसे लोग जो है भ्रमित कर रहे, उसके बारे में भी थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहली चर्चा लक्षण। आपकी गाय है शाम के टाइम बिल्कुल ओके खड़ी, सुबह देखते हैं कि उसके जो है ना कंधों की साइड में, इधर भी और इधर भी कंधों पे ना हल्के हल्के जो नोड्स हैं या बोलते हैं मोटी मोटी गांठे बनने शुरू हो जाती हैं, एक तरह का लक्षण। सेकंड टाइप का लक्षण ये आता है कि कोई भी पैर, हैंड, पिछला पैर या अगला पैर, मोस्टली पिछले पैर से आती है, दाएं या बायां कोई भी पैर सूज जाता है, लंगड़ाहट करती है। उसके बाद फिर आती हैं गांठे, ये हो गया इसका दूसरे टाइप का लक्षण। तीसरा लक्षण आता है खाना पीना छोड़ देती है और सूजन आती है, गांठे बन जाती हैं, ये इसका तीसरा और इसका भयानक रूप है। तीन ही मोस्ट इसके लक्षण हैं या तीन तरह से आता है, जैसे कहते हैं कोई भी चीज़ एक हैवी होता है अटैक, हल्का होता है अटैक, एक बहुत ही भयंकर अटैक होता है। हमारे यहाँ जो वायरस है बहुत ज़्यादा भयंकर नहीं है, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इस तरह के लक्षण है मेरे किसान भाई, मेरे दोस्त, ये समझ लें कि अगर ये चीज़ें उसमें दिखाई दे रही हैं, कंधे की तरफ छोटी छोटी गांठें दिख रही हैं, पैर में सूजन आ गई, खाना पीना छोड़ दिया या खाना पीना भी नहीं छोड़ा, इस तरह से गांठें दिख रही हैं, तो समझ लीजिए इसको लंपी के लक्षण आ चुके हैं। अब लक्षण तो आगे, इनमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लक्षण देख सकते हैं केवल। अब हम क्या करें, सारे लक्षण हो जाते हैं, सब कुछ होता है, मैंने पहचान भी लिया, अब हम क्या करें कि इसके हम बच सके या ना कर सके। एक नंबर की बात, एक इसमें अभी क्या हुआ, सरकार की तरफ से एक प्रोटोकॉल जारी हुआ है हमारे डिपार्टमेंट से कि बीमारी के रूप कितने हैं। सबसे पहला जो रूप आता है माइल्ड बोलते हैं, यानी कि हल्का। हल्के में क्या होता है, दोनों कंधों की तरफ क्या होती है, थोड़ी थोड़ी सी गांठें बनती हैं, ना खाना पीना छोड़ता, ना दूध देना छोड़ता, ना उसमें कोई ज़्यादा परेशानी आती। ये एक ऐसा रूप है इस बीमारी का, यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में इसका इलाज कर सकते हैं, गाय को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, खाने पीने को अच्छा दीजिए, गाय आपके 8 से 10 दिन में रिकवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दूसरा इसका एक और स्टेज आती है, पैर सूज जाता है, गांठें बनती हैं, कंधे के बजाय पूरे शरीर पे आ जाती हैं। जब ये पूरे शरीर पे आ जाती हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है खुद कुछ ना करें, अपने चिकित्सक को बुलाएं, उसी चिकित्सक को बुलाएं जिस पर आप जो है ना लगातार चिकित्सा कराते हैं, अपने बराबर के हॉस्पिटल में जाएं, कहीं भी जाएं, उनसे सूचना करें, गाय की देखभाल करें। इसके अलावा फिर थर्ड स्टेज आती है, बुखार आ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, पैर जो होता है कोई सा भी पैर सूज जाता है और पूरे शरीर पे जो होते हैं ये गांठें बन जाती है, यही इसकी भयानक स्टेज होती है, भयानक इसका रूप होता है।
यहाँ हमें हानि होने की, अपना पशुधन खोने की, अपनी जो है जानमाल की दिक्कत आती है। इससे पहले की जो बीमारियां हैं मोस्टली ठीक हो जाती हैं। यहाँ निमोनिया के चांसेस आते हैं, अबॉर्शन के चांसेस आते हैं, इसकी थर्ड स्टेज जो बोलते हैं। यहाँ आपको अपने चिकित्सक को बुलाना है, बहुत गहनता से इलाज करना है, अपने इस पशु पे ध्यान देना है, यहाँ तक आती है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, इलाज तो क्योंकि हम यहाँ पे ना अलग अलग होते हैं, सब चिकित्सक अपना इलाज करते हैं, सभी तरीके से इसको ट्रीट करते हैं, इलाज इसका बहुत भारी नहीं है, हल्के इलाज हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक जो मैं फील्ड में घूम रहा हूँ तो मैं जानकारी आपको आपके माध्यम से अपने भाइयों को देना चाहता हूँ कि मेरे किसान भाइयों को ना गलत जानकारी देके भ्रमित करा जा रहा है। मेरी गाय इन्फेक्टेड हो गई, मैंने डॉक्टर को बुलाया और उसने मेरे किसान को डरा दिया कि ये तो इस तरह से मर जाएगी या इस तरह से ये हो जाएगा। और उससे अभी अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक फोन आया था, उन्होंने अपनी गाय पे 3 दिन के इलाज में 3500-4000 रुपये खर्चा करा डॉक्टर लेके गए। मैं से किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह से ठगी से बचें, इसका इतना भारी इलाज नहीं है। एक अभी अभी एक केस हुआ था, एक डॉक्टर आए उनके घर में वैक्सीन लगा के गए, जबकि मैं विभाग से आप भी जानकारी कर लें, पशुपालन विभाग में कहीं भी इसकी कोई वैक्सीन अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर LSD की उपलब्ध नहीं है। ये आप ध्यान दें मेरे किसान भाई, कोई वैक्सीन नहीं है। कोई भी डॉक्टर आपके बोलता है कि मुझे पैसे दीजिए मैं आपकी गाय को वैक्सीन लगा दूंगा और ये गाय आपकी जो है बिल्कुल फिट हो जाएगी, या फिर मुझे पैसे दीजिए, इस तरह से संभल के रहिए। अपने ही चिकित्सक से जिससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जानते हैं, फैमिली डॉक्टर है आपका, उसी से दिखाएं, वो आपको भ्रमित नहीं करेगा। दूसरा आएगा पैसे बनाएगा, गाय बचे या ना बचे, वो ज़्यादा ठीक हो या ना हो, से मतलब नहीं होता, पैसे उतारे जाते हैं, आपको डराते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए। क्या कर रहे हैं भाई, एक वैक्सीन बनी थी कुछ दिन पहले गोट पॉक्स के नाम से, वो बकरियों में लगती है, तो कुछ लोगों ने वो दुकान से ले ली, उसको लगा देते हैं, और किसान को बोलते हैं कि हमने इसकी वैक्सीन मंगा रखी, वो लगवा ली। इन्फेक्टेड गाय में जिसमें कोई भी लक्षण दिखाई दे दिया, मेरे किसान भाई ध्यान रखे, जिसमें गाय में जरा सा भी लक्षण दिखाई दे दिया उसमें वैक्सीन नहीं लगती, बिल्कुल क्रॉस होता है। विभाग में ये पूरा गाइडलाइन होती है, पूरा प्रोटोकॉल होता है, किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल को वैक्सीन नहीं लगाई जाती। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ लोग इन्फेक्टेड को ही, कोई भी वैक्सीन होगी मुझे नहीं पता, लगा के चले जाते हैं। इस तरह से बचें अपनी गाय को। चलिए ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा, आप क्या करें, मेरे घर में गायें इन्फेक्टेड हो गई, ज़्यादा हो गई या कम हो गई, सबसे पहले ये जाने कि ये हुआ क्यों, आती कहाँ से है। मैंने आपसे बताया भी था कि मक्खी इसका सबसे बड़ा कारक, लाने वाला ट्रांसपोर्टर इसकी जो ले आने ले जाने वाली, वो मक्खी है। ये मक्खियों से आती है, चाहे वो डांस मक्खी हो, चाहे हाउस फ्लाई हो, कुछ भी हो, वही मक्खी लेके आती हैं। ध्यान रखिए अपने आसपास में, अपने जहाँ भी आपका पशु रहता है उसका फरस है, उसकी खोर है, उसका शरीर है, उसको साफ रखिए, मक्खियों को ना आने दीजिए और ना जाने दीजिए। मक्खियाँ आएंगी तो लेके आएंगी और जाएंगी तो लेके जाएंगी वहाँ से रोग। जब आपके एनिमल के ऊपर कोई गांठ पक जाती है तो उससे पस या कोई पीप या कुछ इस तरह निकलता है, वही उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, फरस साफ रखिए, फिनाइल से थोड़ी बहुत धुलाई करिए, मक्खियाँ भाग जाएंगी, पिटकरी का इस्तेमाल करिए। कुछ लोग कली डाले देखे मैंने, मेरे पास के गांव में कली का कोई रोल नहीं है, क्योंकि होता ही है कि भाई जब कोई दिक्कत आती है तो मेरा पड़ोसी कहता है आप कली डाल दो। इस रोग में कली का कोई रोग नहीं, रोल नहीं होता है, कली का कोई प्रभाव नहीं बनता, होता है तो हाइजीन का होता है, जिसे बोलते हैं हम साफ सफाई। सारे किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि साफ सफाई रखें, इतनी साफ सफाई रखें कि गाय के ऊपर ना तो कोई मक्खी आए ना जाए। आपका बाड़ा जहाँ पे आपके पशुशाला है वहाँ पे उसको साफ सुथरा रखिए। हफ्ते में एक बार जरूर घी दीजिए अपने गाय को, 100 से 150 ग्राम देसी घी खिलवाइए, भरपूर चोकर खिलवाइए, भरपूर उसकी डाइट रखिए, डाइट पे पूरा ध्यान दीजिए, उसकी सेवा ही सबसे बड़ा इलाज है। मैंने कई अपने क्षेत्र में देखे कि गाय अगर उनकी इन्फेक्टेड हुई तो उन लोगों ने उसे परिवार की तरह से ट्रीट किया, उसे इतना प्यार दिया, इतनी उसकी देखभाल करी कि वो 5 दिन के बजाय 3 दिन के ट्रीटमेंट में गाय जो है ठीक होके आ गई। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप ऐसा करें, सेवा करें, उन लोगों से बचें जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, पैसा बहुत ऐसा ना बहाएं। बहुत ही आराम के इलाज से, बहुत ही हल्के इलाज से जो है LSD ठीक हो रही है। मेरे एरिया में इसका जो वायरस है वो हल्का वायरस है, क्या बोलते हैं उसको, हानि जो होती है वो नहीं है, कैजुअलिटी बहुत जीरो है। वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि 2 से लेके 5% तक की कैजुअलिटी होती है, पशु मरते हैं, लेकिन नहीं,
आपके शामली की बात चल रही थी, शामली में, तो मैं नहीं मानता कि मेरे 7 से 8 गांव में 1% भी डेथ हुई हो। तो इसलिए घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी किस्म के चक्कर में। हाँ, महामारी के तौर पे आ रही है, अभी घोषित नहीं हुई, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी आप कुछ पूछना चाहें, मेरे भाई कुछ पूछना चाहें तो एक तो ये बता दीजिए, जैसे जब गांठे बन गई तो उसको नहलाएं, और अगर ना नहलाएं तो, नहलाना तो है ही नहीं, अगर नहलाएं तो किस चीज से नहलाएं, जैसे पानी, मतलब पानी को यूज कर सकते हैं नहीं उसमें? अगर गांठे शरीर पर दिख रही है और फुटी नहीं, कोई भी गांठ पकी नहीं, आप पशु को नहलाइए, बिल्कुल नहलाइए, मैं तो कहता हूँ साफ करिए उसका शरीर, शरीर पर गंदगी तो छोड़िए ही मत। नहलाने के बाद में आप जो है ना सोप साबुन, हम जिससे नहाते हैं उस साबुन से थोड़ा सा उसको थोड़ी सी साबुन लगा दीजिए। आपने देखा होगा कोरोना का वायरस किस चीज से सबसे ज्यादा डरता था, साबुन के पानी से। कोई भी वायरस हो साबुन के घोल में टूट जाता है। तो जब भी आपकी बॉडी जो है, एनिमल की बॉडी है, उसको कहीं ना कहीं वायरस जरूर होगा, तो जब नहलाते हैं नहलाइए रोज, जब तक पकी नहीं गई है तो नहलाइए, थोड़ी सी साबुन का इस्तेमाल कर लीजिए, फिटकरी के पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं है तो डिटोल के पानी का थोड़ा डाल के वो इस्तेमाल कर लीजिए, बिल्कुल नहला सकते हैं। आपका ये जो सवाल वाजिब है, किसान कुछ कहते हैं कि अब नहलाए नहीं, नहीं नहलाओ, खूब नहलाओ, जब तक वो बुखार में नहीं है, घास पानी खा रही है, कोई गांठ पकी नहीं है, पीप नहीं निकला, मवाद नहीं निकल रही, अब नहलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लंपी जो बीमारी आई है भारत में उसके बारे में जाना, और डॉक्टर साहब ने एक एक चीज को क्लियर करके बताया है, पशु को नहलाए या ना नहलाए, ट्रीटमेंट में क्या क्या दे, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, और जो आपका चिकित्सक है उससे ये भी जाने आप कौन सी डोज उसको लगा रहे हैं। कई बार क्या होता है, जो डॉक्टर आते हैं वो पैसे बनाने के चक्कर में गलत डोज लगा कर चले जाते हैं, जिससे आपकी हानि होती है, आपके पैसे की हानि होती है, आपके पशु की हानि होती है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, और कैसे ट्रीटमेंट दे घर पर, जो पशु जब नया वायरस जिसके अंदर आया है, मक्खियों का खासकर ध्यान रखना है, मक्खी ना आए ना जाए, उसके लिए आप फिनाइल यूज कर सकते हैं, सबसे जो खतरनाक चीज है उसके लिए मक्खी है, तो मक्खियों को ऐसा करें मक्खी ना आए। बाकी जो भी जानकारी आप तक हम भेजने की कोशिश करेंगे, जो भी नई जानकारी आती है उसको आप तक भेजने की कोशिश करेंगे, तब तक बने रहिए गांव गांव के साथ, धन्यवाद।